दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जन्नत जुबेर रहमानी अभी तक कितने टीवी सीरियल्स कर चुके हैं। दोस्तों, आज वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बना ली है क्योंकि इनकी दोस्तों बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं, याद भी नहीं कर सकता और काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने दोस्तों एक कंप्लीट कर लिया और इनके लिख लिए हैं। तो दोस्तों, मैं चलिए एक एक सीरियल इनका शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके टीवी शो की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने टीवी शो किया था दोस्तों दिल मिल गया। दोस्तों, इस शो को इन्होंने 2010 में किया था और दोस्तों इस शो में इन्होंने तमन्ना नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो से इन्होंने डेब्यू किया था। अगले टीवी शो है दोस्तों इनका काशी अब ना रहे 13 कागज कोरा, जिसमें दोस्तों इन्होंने काशी नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी। अगला टीवी शो है दोस्तों इनका मट्टी की बन्नो। दोस्तों, इस शो को इन्होंने 2010 से 2011 के बीच में किया था और दोस्तों इस शो में इन्होंने अवंती नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी। अगला टीवी शो है दोस्तों इनका फुलवा, जिसमें दोस्तों इन्होंने फुलवा नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2011 में किया था। अगला टीवी शो है दोस्तों इनका हर जीत, जिसमें दोस्तों ने इसीता नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2011 से 2012 के बीच में किया था। अगला टीवी शो दोस्तों इनका फियर फाइस, डर की सच्ची तस्वीरें, जिसमें दोस्तों ने शशि नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2012 में किया था। अगला टीवी शो है दोस्तों इनका एक थी नायिका, जिसमें दोस्तों इन्होंने परी नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2013 में किया था। अगला टीवी शो है दोस्तों इनका बेस्ट ऑफ लक निक्की सीजन 3, जिसमें दोस्तों इन्होंने कृति नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को भी इन्होंने 2013 में किया था। और दोस्तों, अगला टीवी शो है दोस्तों इनका भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, जिसमें दोस्तों इन्होंने महारानी फूल नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो में इन्होंने लीड रोल किया था और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2014 में किया था। और दोस्तों, अगला टीवी शो है दोस्तों इनका सियासत, जिसमें दोस्तों इन्होंने नूरजहान नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2014 में किया था। और दोस्तों, अगला टीवी शो है दोस्तों इनका महाकुंभ एक रहस्य एक कहानी, जिसमें दोस्तों इन्होंने माया नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2015 में किया था। और दोस्तों, अगला टीवी शो है दोस्तों इनका सावधान इंडिया, जिसमें दोस्तों इन्होंने रीत नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को भी इन्होंने 2015 में किया था। अगला टीवी शो है दोस्तों इनका कोड रेड, जिसमें दोस्तों ने सिमरन नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को भी उन्होंने 2015 में ही किया था। अगला टीवी शो है दोस्तों इनका गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस, जिसमें दोस्तों इन्होंने राखी नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को भी उन्होंने 2015 में ही किया था। अगला टीवी शो है दोस्तों तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, जिसमें दोस्तों ने रुखसन नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को भी इन्होंने 2015 में ही किया था। और अगला टीवी शो है दोस्तों का कोड रेड, जिसमें दोस्तों ने फिर से किया था इस शो को और जिसमें दोस्तों ने सुरीली नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और इस शो को भी उन्होंने 2015 में ही किया था। अगला टीवी शो है दोस्तों का स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसमें दोस्तों ने बिंदु नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को भी उन्होंने 2015 में ही किया था। और अगला टीवी शो है दोस्तों का मेरी आवाज ही पहचान है, जिसमें दोस्तों ने कल्याणी नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2016 में किया था। और अगला टीवी शो दोस्तों का सनी, जिसमें दोस्तों ने नीलिमा नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2017 में किया था। और अगला टीवी शो है दोस्तों का तू आशिकी, जिसमें दोस्तों ने पंकति शर्मा नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो में इन्होंने 2017 से 2018 तक काम किया था और दोस्तों इस शो में इन्होंने लीड रोल किया। और दोस्तों, अगला टीवी शो है दोस्तों का आपके आ जाने से, जिसमें दोस्तों ने पंकति सिंह के नाम के करेक्टर की भूमिका निभाई थी और दोस्तों इस शो को इन्होंने 2019 में किया था। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन